नमस्कार, स्वागत है आपका डिजियाना न्यूज़ के खास कार्यक्रम चर्चा आज की। मैं हूं नीरज व्यास और आज हम एक बार फिर बात करेंगे इंदौर में परिवहन विभाग और यातायात विभाग द्वारा संयुक्त की गई कार्रवाई को लेकर। जो कार्रवाई हुई थी उस कार्रवाई में परिवहन विभाग और यातायात विभाग ने मिलकर हेलमेट ना पहनने पर जो रजिस्ट्रेशन और जो लाइसेंस उसको निरस्त करने की कार्रवाई की थी। काफ़ी बड़ी कार्रवाई हुई थी, पूरे प्रदेश में इस कार्रवाई को लेकर हलचल हुई हुई है। आज हम फिर बात करने जा रहे हैं इसी मुद्दे पर और हमारे साथ एक्सपर्ट कमेंट के लिए मौजूद हैं डिजियाना न्यूज़ के एडिटर इन चीफ अरशद खान जी। अरशद जी, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो कार्रवाई हुई थी पूरे प्रदेश में इसकी हलचल हुई है, गूंज हुई है, इसे कैसे देखते हैं? जो रिएक्शन आया है, जो बैकफुट पर गई है परिवहन विभाग और यातायात विभाग के अधिकारी। देखिए नीरज जी, ये पूरा जनता से जुड़ा हुआ मामला था, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोगों के पास दोपहिया वाहन है और इंदौर शहर का ट्रैफिक इस तरह का नहीं है कि वहाँ पर स्पीड से वाहन चलाया जा सके और उन्हें हेलमेट पहनना अनिवार्य किया जाए। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस विभाग न्यायालय का संदर्भ देते हुए कार्रवाई कर रहे थे। इवन परिवहन विभाग ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि कोई दोपहिया वाहन चालक हेलमेट लगाकर वाहन चलाता नहीं पाया गया तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा, उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसी सूरत में लगभग 50 से अधिक लोगों के लाइसेंस निरस्त भी किए गए। जब ये बात फैली तो विपक्ष को तो इसका ध्यान नहीं आया, जो कांग्रेस है उसको तो इसका ध्यान नहीं आया, लेकिन एक बीजेपी के ही नेता के साथ जब इस तरह की घटना घटी, उन्हें जब यातायात पुलिस ने और परिवहन विभाग के लोगों ने रोका तो वहाँ से इसका बवाल शुरू हुआ। वो धरने पर भी बैठ गए और उन्होंने कोशिश की और सरकार का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि हम भी हमारे मीडिया के माध्यम से हम लगातार सरकार को बता रहे थे कि किस तरह से आम लोग इस पूरे मामले से परेशान हैं, हेलमेट पहनने से कितनी दिक्कतों का सामना आम आदमी को करना पड़ रहा है। तो जब ये मुद्दा बढ़ता चला गया और जब ये बात फैलती चली गई तो इस पर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और निर्देश जारी करना पड़े कि फिलहाल ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाए जिसमें लाइसेंस निरस्त किया जा सके। इसके पहले भी यातायात पुलिस कई चौराहों पर चेकिंग की कार्रवाई कर रही थी, वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन मांगा जा रहा था, लाइसेंस मांगा जा रहा था, इंश्योरेंस मांगा जा रहा था। ये सब उपलब्ध होने के बाद जब व्यक्ति के पास हेलमेट नहीं होता था तो यातायात पुलिस उसका चालान बना रही थी और तकरीबन 250 से लेकर 750 रुपये तक की रसीदें यातायात पुलिस द्वारा काटी जा रही थी। इस तरह की कार्रवाई क्यों की गई थी, सरकार के निर्देश थे या इंदौर RTO की ऐसी हार्दिक इच्छा थी, दिली इच्छा थी कि वो इस तरह की कार्रवाई करें और अपने आप को लाइमलाइट कर लें कि देखिए मैंने इतने लाइसेंस निरस्त कर दिए इस तरह की कार्रवाई कर। आखिरकार मैं ये कहूँगा कि परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की हार है, जनता की इसमें जीत हुई है और उन नेताओं को भी धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ाया। हालांकि अभी जो एक बात सामने आ रही है, जो यातायात विभाग के अधिकारी हैं वो तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गए हैं, लेकिन जो RTO विभाग हैं वो भी अभी भी आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब ऊपर से आदेश आएगा उसके बाद कार्रवाई रुकेगी, अदरवाइज ये चलती रहेगी। नहीं देखिए, आज और कल मैंने देखा है कि परिवहन विभाग ने कहीं पर भी किसी भी चौराहे पर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। परिवहन दस्ता खड़ा ज़रूर है, देख रहा है, कार्रवाइयाँ इस तरह की नहीं कर रहा है कि उसे लाइसेंस निरस्त करना पड़े, और परिवहन विभाग अकेला कार्रवाई कहीं पर भी नहीं कर रहा है, वो यातायात पुलिस के सहयोग से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। उस दौरान उन लोगों को रोका जा रहा है जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहने, लेकिन आज उनके साथ ऐसा नहीं किया जा रहा है कि उनका लाइसेंस निरस्त किया जा रहा है या लाइसेंस रिवोक किया जा रहा है, इस तरह की कोई कार्रवाई आज नहीं हुई है। तो सरकार का निर्देश आए या नहीं आए, आदेश आए या नहीं आए, लेकिन इंदौर RTO को कम से कम ये समझ में आ गया है कि अब इस तरह की कार्रवाई यदि वो करते हैं तो ये विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। फिलहाल तो सत्ता पक्ष के लोग ही इसके विरोध में आ गए, तो यदि ये मामला आगे बढ़ा तो उनके लिए परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। विपक्ष लगातार कहता रहा है कि जो है आज की जो सरकार चल रही है भाजपा की, उसमें अफसरशाही काफ़ी बढ़ गई है। पिछले दिनों एक घटना हुई थी नगर निगम की, जिसमें कि जो भाजपा के एक वरिष्ठ नेता थे उनके भतीजे के साथ जब मारपीट हुई, इशू उछला, उसके बाद उसका रिएक्शन हुआ जी। ये जो कार्रवाई हुई है उसमें भी अभी एक जो कल घटना हुई है कि भाजपा के एक जो बड़े नेता थे, जब उनको रोक लिया गया, उनके लाइसेंस निरस्ती की बात हुई तो फिर हंगामा हुआ है, आला नेताओं सुमित तक बात वाले मामले की बात कर रहे हैं, बिल्कुल उसके पहले आप बात कर रहे हैं उमेश शर्मा जी वाली जी। तो जब तो ये सब घटनाक्रम हो रहा है, जनप्रतिनिधियों के साथ जब घटना हो रही है उसके बाद ये सब लोग जाग रहे हैं। नीरज जी, ये देखिए विपक्षी नहीं, सत्ता पक्ष के नेता भी इस चीज का लगातार मुखालफत कर रहे हैं और संगठन को बार बार आगाह कर रहे हैं, चाहे वो नगर निगम से जुड़ा हुआ मामला हो, ट्रैफिक से जुड़ा हुआ मामला हो या थानों से जुड़ा हुआ मामला हो, वो लगातार ये शिकायत कर रहे हैं संगठन को कि प्रदेश में अफसरों का,
राज चल रहा है, अफसरशाही चल रही है, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है और इन्हीं जो नाराज कार्यकर्ता हैं इन्हीं को मैनेज करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बार बार भाजपा कार्यालय जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं को समझाइश दे रहे हैं कि यदि उन्हें कोई समस्या है तो वो सीधे मुझसे बात करें। कई मरतबा कैलाश विजयवर्गीय ने भी ये बात अपने मुँह से कही है कि प्रदेश में अफसरों का राज है और अफसर सुन नहीं रहे कार्यकर्ताओं की। तो सरकार में बैठे लोगों को चाहिए कि अफसरों पर नकेल कसे, अन्यथा उन्हें संगठन को भी नुकसान होगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को नुकसान हो सकता है। ये ही पूछने वाला था आपसे कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, उसके बाद भी अफसरों की जो तानाशाही लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि आमतौर पर देखा गया है कि पिछले जो चुनावों का इतिहास रहा है कि जब भी चुनाव होता है साल भर पहले, दो साल पहले जनता के हितों से जुड़े हुए चीजें होती है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है इस बार। जी बिल्कुल सही कहा नीरज आपने कि यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है शायद अभी से शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि उनके पास सारे एक सरकारी मिशनरी उनके लिए काम करे चुनाव में। वो सरकारी मिशनरी यदि काम करेगी तो वो ये वाली पारी में भी जीत हासिल कर सकते हैं। शायद इसी के चलते उन्होंने कार्यकर्ताओं की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया है। कार्यकर्ताओं की समस्या अपनी ज्यों की त्यों बनी हुई है। कार्यकर्ता बार बार संगठन से शिकायत कर रहे हैं, संगठन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। असल में एक सिक्के के दो पहलू हो गए हैं शिवराज सिंह चौहान और नंद कुमार सिंह चौहान। इंदौर से, उज्जैन से, भोपाल से, देवास से, कहीं से भी जब शिकायत प्रदेश संगठन तक पहुंचती है तो वहां से कोई प्रॉपर जवाब नहीं आता। हम इंदौर के भाजपा नगर अध्यक्ष कैलाश शर्मा की बात करें तो वहां पर भी लोग जाते हैं, अब उन्होंने जाना शुरू कर दिया है। जैसे उमेश शर्मा के भतीजे वाला जो मामला था तो वो भी वहां पहुंचे, विधायक भी पहुंच गए, गोपी नेमा भी पहुंच गए वहां पर, उषा ठाकुर भी पहुंच गई वहां पर। ऐसी जब सुमित मिश्रा वाला मामला हुआ तो इस दौरान भी कुछ भाजपा कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, वाघेला जी भी पहुंच गए वहां पर और दीगर कई सारे नेता वहां पर पहुंचे और ये बताने की कोशिश की कि भाजपा भले ही सत्ता में है लेकिन विरोध उसे करना आता है। गलत कार्रवाई यदि की जाएगी तो भाजपा सत्ता में रहकर भी विरोध करेगी, भले ही उसके बड़े नेता उनका सपोर्ट ना कर रहे हो। भाजपा सत्ता में रहकर विरोध कर रही है लेकिन विरोध काफी देर बाद कर रही है, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, सही कह रहे हैं आप, बड़ी देर बाद कर रही। देखिए अब क्या होता है नीरज, विरोध धीरे धीरे पनपता है और पिछले साल डेढ़ साल से विरोध पनप रहा है। अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो संगठन को भी कार्यकर्ताओं की जरूरत है, नेताओं को भी संगठन की जरूरत है। ऐसे में सब एक दूसरे को मैनेज करना चाहते हैं। तो कार्यकर्ता अपनी ताकत दिखाना चाहता है संगठन को, वो बताना चाहता है कि हमारे बगैर संगठन चल नहीं सकता है, यदि हमारी सुनवाई नहीं होगी, यदि अफसरशाही चलती रहेगी तो हम काम नहीं करेंगे। इसका खामियाजा संगठन को भी उठाना पड़ेगा, पार्टी को भी उठाना पड़ेगा। हो सकता है कि आने वाले चुनाव में कार्यकर्ताओं की कमी के चलते या कार्यकर्ताओं की नाराजगी के चलते बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है, तो संगठन भी हो सकता है इस पर संगठन विचार कर रहा हो, सरकार विचार कर रही हो। इसी के चलते शायद ये जो इतनी बड़ी कार्रवाई शुरू की गई थी RTO द्वारा और यातायात पुलिस के सहयोग से, वो अचानक से उसको रोक दिया गया है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब वापस लोगों को राहत मिली है और ये बहुत ही जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा था नीरज, देखिए आपने और मैंने उस पर भी चर्चा की थी कि आप प्रैक्टिकल होकर क्यों नहीं कोई निर्णय लेते हैं, आप तुगलकी आदेश क्यों जारी कर देते हैं? क्या किसी अफसर ने हेलमेट पहनकर वाहन चलाया है? क्या किसी अफसर ने दोपहिया वाहन लेकर जवाहर मार्ग की सैर की है? क्या कभी कोई हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहन लेकर बजाज खाना छोके शीतला माता बाजार गया है? नहीं गया है। जब इसी जगहों पर आप वाहन नहीं चला सकते हैं तो आप क्यों जुल्म कर रहे हैं उन लोगों पर, उन लोगों को क्यों हेलमेट पहनने पर मजबूर कर रहे हैं? आज एक नेता के साथ इसी घटना घटी, इससे पहले RTO के अधिकारियों ने इतनी सारी कार्रवाई की, कोई नहीं आया। आम आदमी का दर्द जानने कोई नहीं आया, लेकिन भाजपा के एक नेता पर जब RTO और यातायात पुलिस ने कार्रवाई करने की कोशिश की तो संगठन उठकर खड़ा हो गया। तो संगठन को RTO जो है लगातार नियमों के पालन करवाने की बात करता, तो फिर सख्ती अकेले सिर्फ हेलमेट ना पहनने को लेकर ही क्यों? कई चीज़ें हैं लगातार घटनाक्रम होते हैं, ट्रैफिक विभाग भी कि जब तीन सवारी आदमी बैठकर जाता है, कई बार रेड सिग्नल होता है उसको क्रॉस कर देते हैं युवा, उसकी तरफ फोकस नहीं, फोकस सिर्फ जो एक जो मिडिल क्लास आदमी है जो नियमित समय पर घर से निकलता है। बहुत सामान्य सी बातें हैं कि तीन सवारी बिठा लेना, रेड सिग्नल क्रॉस कर लेना, ये बहुत सामान्य से बीमारी। आप हेलमेट इसलिए पहनाना चाहते हैं कि लोगों की जान जा रही है मैं यही कह रहा हूँ कई सारी बीमारियां हो रही हैं, सरकार उस तरफ ध्यान देती, उस पर लगाम लगाई आपने, शिविर लगाए, दवाओं की उपलब्धता करवाई आपने, नहीं करवाई। आप राजस्व वसूलना चाहते हैं चालान बनाकर, लाइसेंस निरस्त कर, इससे सरकार को आय होगी। आप शराब की दुकानों पर बंदिश क्यों नहीं लगाते? आप शराब की दुकानों की संख्या लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं, वहां से भी तो व्यक्ति यदि शराब पी रहा है तो उसकी सेहत को नुकसान पहुंच रहा है।
आप उस तरफ ध्यान क्यों नहीं देते? सिर्फ और सिर्फ हेलमेट ही एक ऐसी चीज है जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सकती है। सरकार में बैठे अधिकारियों को और सरकार चलाने वाले नेताओं को इस ओर भी मंथन करना चाहिए नीरज जी, जब जाके प्रदेश का नागरिक सुरक्षित हो पाएगा। सिर्फ हेलमेट पहनाने देने से उसकी मौत पर आप रोक नहीं लगा सकते। बिल्कुल अर्शद जी, आम जनता से जुड़े कई मुद्दे हैं, लेकिन फिलहाल ये जो मुद्दा था जिस पर कि परिवहन विभाग और यातायात विभाग के अधिकारियों की तानाशाही कहीं ना कहीं सामने आ रही थी, ऐसा लग रहा है कि अभी की स्थिति में ये पूरा मामला कहीं ना कहीं इसका पटाक्षेप होता नजर आ रहा है। हमारी आज की चर्चा में इतना ही। डीजीएनएन न्यूज़ की खास खबरों को जानने के लिए देखते रहिए डीजीएनएन न्यूज़। नमस्कार।